हेलो फ्रेंड्स, विशाल्स कुकिंग में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ अंगूर से बनने वाली जेली की रेसिपी। तो आइए रेसिपी शुरू करते हैं। तो जेली बनाने के लिए सबसे पहले यहाँ पे लिए मैंने 200 ग्राम काले अंगूर। इसको मैं ग्राइंडर में डालकर इसको पीस लूँगा। तो इसको मैंने पीस लिया है, आप देख सकते हैं। तो इस तरह का हमारा पल्प है वो रेडी हो चुका है। तो इस पल्प को मैं एक छलनी के द्वारा किसी बर्तन में छान लूँगा। इसका सारा का सारा जूस हमें निकाल देना है। तो इसका सारा जूस मैंने निकाल दिया है, आप देख सकते हैं। अब इस जूस के अंदर ऐड कर दूँगा 1 कप पानी। तो इसके अंदर मैंने पानी डाल दिया है। अब गैस पर रख देंगे एक पैन, उसमें इस पानी को हमें डाल देना है और गैस की फ्लेम को ऑन कर देना है। तो अब इसके अंदर डाल दूंगा मैं 1 टेबल स्पून चीनी। तो आप चीनी अपने स्वाद के अनुसार कम या ज़्यादा कर सकते हैं। और इसमें हमें एक अच्छा सा उबाल आने देना है। तो आप देख सकते हैं इसमें एक उबाल आ चुका है। तो अब इसको हम 1-2 मिनट और इसी तरह पका लेंगे। और इसके अंदर अब डाल दूंगा मैं 1.5 टीस्पून जेलेटिन पाउडर। और जेलेटिन डालने के बाद इसको हमें अच्छी तरह जेलेटिन को एकदम अच्छे से घुलने तक हमें इसको उबालते रहना है, उसे चलाते रहना है। तो जेलेटिन हमारी अच्छे से घुल चुकी है। अब इसके अंदर डाल दूंगा मैं 2 से 3 ड्रॉप लाल फूड कलर यानी रेड फूड कलर। आप चाहें तो इसे स्किप भी कर सकते हैं। तो हमारा जेली का मिक्सर है वो रेडी हो चुका है। अब गैस की फ्लेम को हम बंद कर देंगे। यहाँ पे मैंने सिलिकॉन के मोल्ड्स लिए हैं, आप देख सकते हैं इस तरह। इनके अंदर हम जेली का जो मिक्सर है उसे भर देंगे। तो इस लिक्विड को मैंने मोल्ड्स में भर दिया है। अब इस लिक्विड को हमें एकदम ठंडा होने देना है अच्छी तरह, लगभग आधा 1 घंटे तक। तो ये अच्छे से ठंडे हो जाने के बाद इसको हम फ्रिज में रख देंगे लगभग 2 से 3 घंटे के लिए। तो लगभग 3 घंटे हो चुके हैं, आप देख सकते हैं हमारी जेली एकदम सेट होकर तैयार हो चुकी है। आप देख सकते हैं एकदम परफेक्ट हमारी जेली बनकर तैयार हुई है, मार्केट जैसे। तो जेली को अब हम बाहर निकाल लेंगे। तो सिलिकॉन मोल्ड्स के जो किनारे हैं इनको हम इस तरह बाहर खींचेंगे, इस तरह आप देख सकते हैं। तो इस जेली को हम नीचे से पुश करके आराम से बाहर निकालेंगे। ये बहुत ही आराम से निकल जाती है। तो हमारी जेली अब एकदम परफेक्ट बनकर तैयार हो चुकी है। मैं आपको इसे कट करके दिखाता हूँ। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। दोस्तों, आप देख सकते हैं कितनी अच्छी हमारी जेली बनकर तैयार हुई है।